pre-inflict space दो space के साथ connected है, एक मेरा cultivated land और पाक सर्कस में जो tannery space है दोनों के साथ, एक p-size line और size line के line के बारे में मैं इधर discuss किया। p-size line जैसे ये uncut normal line जिसके बारे में, उसके बाद क्या हो रहा है देखिए देखिए, ये size line में convert हो रहा है। ये जो size line है तो मेरा जो cultivated land है वो land के साथ बहुत related है, सेम जो मतलब ज़मीन का जो फॉर्म होता है, मतलब जो डिवाइड होने के बाद तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में धीरे धीरे डिवाइड होता है, तो इसको मैं सेम फार्मूला एक पहले से अनकट से काट कर रहा हूँ, काट होने के बाद धीरे धीरे फिर एक के बाद एक मैं स्टिच किया, ये स्टिचिंग स्टार्ट किया, तो स्टिचिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है फिर एक अनकट शेप ले रहा है। ये मेरा कॉपलर के साथ कोलाबाइट था, उसके पास मैं एक बार जस्ट कुछ लेदर दे के उसको दिया जो क्या करना है तुम कर लो कुछ भी, तो उसके बाद एक के बाद एक कनेक्ट करते करते वो धीरे धीरे एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। कभी भी बाढ़ सा व्यू से देखने के बाद इसको लगेगा जो ज़मीन का जो कैरेक्टर है, कल्टिवेट लैंड का जो फॉर्म है, से फॉर्म के साथ बहुत रिलेटेड है कंटिन्यू। और इसके साथ साथ एक लाइन भी है खाल किचन, वो ये बेसिकली हर्बल थ्रेड बेसिक जो थिंकिंग है जो स्किन के बारे में बोल रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट के साथ साथ स्किन जो है इधर लेदर बहुत कनेक्टेड है। बेसिकली पूरा टोटल प्रोजेक्ट में तीन स्पेस में डिस्प्ले किया, एक स्कल्पचर है बहुत सारा सॉफ्ट स्कल्पचर, एक वीडियो डॉक्यूमेंट है जो टैनरी स्पेस का, और कुछ स्टील फोटोग्राफ है जो मेरा टैनरी स्पेस और मेरा कल्टिवेट लैंड दोनों के साथ पीस मार्च किया, और एक परफॉर्मेंस भी है जो छोटे छोटे लेदर पीस जो है वो लेदर पीस एक साथ स्टिचिंग हो रहा है, रैंडमली स्टिचिंग होते होते एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है।